में हूं लक्ष्मी उपाध्याय, राजनीति में धार्मिक प्रतीकों के इस्तेमाल का अपना एक अलग इतिहास रहा है। शायद तभी नेताओं की एक पूरी जमात रोजा इफ्तार पार्टी के नाम पर मुस्लिम टोपी लगाए इठलाते नजर आती है, तो कहीं भगवा चोला ओढ़कर मंदिर मस्जिद माता टेकते हुए नेताओं की फौज देखने को मिलती है। देश में शायद ही कोई ऐसा राजनीतिक दल हो जो वोटों के लिए धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल ना करता हो। सेक्युलरिज्म के नाम पर जिस तरह राजनीतिक दलों ने अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण का खेल खेला, उसका जवाब बहुसंख्यक ध्रुवीकरण से दिया गया। और अब सवाल है इसी सोच को जनता के बीच बनाए रखने का। मगहर में संत कबीरदास के 120वीं पुण्यतिथि के मौके पर पीएम मोदी का कार्यक्रम था। इस दौरान पीएम के कार्यक्रम से एक दिन पहले तैयारियों का जायजा लेने खुद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। यहां जैसे ही सीएम योगी संत कबीर की मजार के पास जाते हैं, वहां के एक सेवादार ने योगी को टोपी पहनाने की कोशिश की, इससे पहनने से योगी ने हाथ जोड़कर इनकार कर दिया। इससे पहले साल 2011 जरा याद करिए, आपको यही तस्वीर देखने को मिली होगी जब टोपी पहनने की ऐसी ही तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद में देखने को मिली थी। आज के पीएम और उस वक्त गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को एक मुस्लिम शख्स ने मंच पर टोपी पहनाने की कोशिश की, तब मोदी ने उसे पहनने से साफ इनकार कर दिया और विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मोदी ने कहा था कि मैं हिंदू हूं, मुझे इस बात पर गर्व है, सिर्फ दिखावे के लिए मैं टोपी नहीं पहन सकता। मोदी के बाद जिस तरह योगी को टोपी ट्रांसफर की गई, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि जब धर्म एक निजी मामला है, हम सब जानते हैं कि जब धर्म एक निजी मामला है, तो राजनीति में धार्मिक प्रतीकों को थोपने की हड़बड़ाहट आखिर क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल। धर्म एक निजी मामला तो राजनीति में क्यों ऐसी हड़बड़ाहट हो रही है? अहम सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि संवैधानिक पद पर बैठे शख्स की प्रतिबद्धता संविधान से तय होगी या फिर टोपी और तिलक से? सवाल ये कि राजनीति में वे वजह धर्म का मुलम्मा चढ़ाने से क्या समाज में दूरियां बढ़ रही हैं? एक अहम सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर क्या देश में राजनीति में टोपी सेक्युलरिज्म का प्रमाण पत्र बन गई है? एक अहम सवाल कि जिस तरीके से सीएम योगी ने टोपी पहनने से इनकार किया, ये क्या सही था या फिर गलत? आज ऐसे ही तमाम सवालों पर अखाड़ा होगा। कुछ खास मेहमानों को हमने आज निमंत्रण दिया, यहाँ पर आमंत्रित किए हैं, सब लोग हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले सियासत आखिर शुरू कहां से हुई टोपी पर, ये आपको बयानबाजी सुनाते हैं। कल कबीर जी, संत कबीर की समाधि स्थल पर जब मुख्यमंत्री जी गए, तो वहां जो उनके गद्दी नशीन होंगे या जो उनकी सेवादार होंगे, उन्होंने उनको सर ढकने के लिए एक टोपी दो बार दी। आपको नहीं पसंद थी वो टोपी, आप किसी और चीज़ से सर ढक लेते, लेकिन मैं समझता हूँ जब कोई टोपी देता है, पगड़ी देता है, तो आपको मान सम्मान के लिए देता है, आपको स्वीकार कर लेते, हाथ में ले लेते, दे देते, ना पहनते, पर सर ढक के जाना चाहिए था मगहर में समाधि स्थल पर, ऐसा मेरा विचार है। वैसे टोपी लगाने के योगी जी के मामले को इतना ज़्यादा सियासी तून नहीं देना चाहिए। योगी जी इस देश के सबसे प्राचीन नाथ संप्रदाय को बिलोंग करते हैं और करोड़ों उनके देश भर में अनुयायी हैं। योगी जी उन हज़ारों राजनेता जो छदम सेकुलर होने का अपना दिखावा करते हैं, जो टोपी लगाकर सियासी इफ्तार, सियासी दावतें करते हैं और मुसलमानों की पीठ में छुरा भोंकते हैं, उन लोगों से लाख गुना ठीक है योगी आदित्यनाथ जी जो अपने आप को सेकुलर होने का ढोंग नहीं करते। हिंदुत्व इस देश की पहचान है और हिंदू हमारी पुरानी प्राचीन संस्कृति है और उनके अपने मन में है, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं योगी जी। और प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार टोपी पहनने से इनकार किया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुसलमानों से घृणा करते हैं। देखिए, आप जहाँ पर जाते हैं वहाँ की परंपरा है, वहाँ की रस्म है, और ये आपका विवेक है कि आप उस रस्म को का पालन करेंगे कि नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री ने अपना विवेक दिखाया है, जनता देख रही है, उसमें मैं आलोचना नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश एक चौपट राज झेल रहा है, जिस चौपट राज का कारण उत्तर प्रदेश का नेतृत्व है, जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। जनता ने इनको जवाब दिया है, फूलपुर में दिया, गोरखपुर में दिया, कैराना में दिया, अब इनके पास कोई और तरीका नहीं बचा है कि किस तरीके से इस दलदल से निकलें। मैं वो जो हंस रहे थे, वो उसकी ज़हनियत पर हंस रहे थे जो उनको टोपी पहनाना चाहता था। ये इस किस्म के लोग जो जिनका नज़रिया हिंदू और मुसलमानों में तफरीक पैदा करना है, वो उस शख्स के मज़ार पर जाएं जिसका मकसद हिंदू और मुसलमानों के बीच भाईचारा और ऊंच नीच को ख़त्म करना था। कबीरदास अपने दोहे में कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती और ना केहू से बैर।
ऐसे शख्स के मज़ार पर जाकर अगर कोई शख्स उसकी रूह को तकलीफ़ पहुंचाता है तो हम सिवाय उसकी ज़हनियत पर मातम करने के और कुछ नहीं कर सकते। कबीर की रूह को तकलीफ दे रहे हैं सीएम योगी, ये कह रहे हैं ये साहब गुलजार आजमी, ये कह रहे हैं कि रूह को तकलीफ हुई है। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सबका परिचय आपसे करना चाहेंगे। डॉक्टर चंद्रमोहन भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामेश्वर पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जुड़े हैं, इश्तियाक आलम मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ है, मतीन खान अध्यक्ष मुस्लिम लीग के हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अमरनाथ मिश्रा जी अध्यक्ष अयोध्या सद्भावना समिति के हमारे साथ जुड़े हैं, और थोड़ी ही देर में मनोज यादव समाजवादी पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे। सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत इस खास डिबेट में। मतीन खान, आखिर अगर टोपी पहनने से इनकार कर दिया तो क्या वाकई कबीर की रूह को तकलीफ हो गई? हाँ, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, एक शेर है, हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े उरूसा, हर फूल की किस्मत में कहाँ के नाज़े उरूसा, कुछ फूल तो मज़ारों के लिए ही खिलते हैं। तो बुनियाद देखिए यह है कि वहाँ बड़ा अहम मामला यह है कि जब कब्रिस्तान की बाउंड्री की जांच हो रही, तो क्या वहाँ जहाँ गए थे ये, क्या वहाँ जांच करने गए थे या आस्था से गए थे, पहला मेन। अरे सर आप थोड़ी तय करेंगे कोई हाँ, किस काम से जा रहा है। हाँ देखिए, प्रदेश का सीएम अगर वहाँ पहुँच रहे हैं तो आप तय करेंगे कि आस्था है कि क्या है। सवाल ये कि अगर कोई टोपी नहीं पहनता है तो क्या कबीर की रूह को तकलीफ हो गई, और ये साहब तय करेंगे, गुलजार आदमी को यहाँ कह के ये तय करेंगे। हाँ, अब वहाँ जब गए थे, जिस जगह जहाँ आपकी आस्था आप गए थे, हाँ, तो आस्था का सम्मान भी किया जाता है, ऐसा थोड़ी ना है कि बिल्कुल वो कर दिया। जो मैं तो वहाँ के जो सज्जादा है, कितने मौलाना है जो मंदिर में जाते हैं, क्या वो तिलक लगवाते हैं, क्या वो कलामा पहनते हैं? मैं तो ये सज्जादा साहब, बताइए ना मुझे। नहीं नहीं, बाकायदा आप जिनकी बात कर रहे हैं बुक्कल नवाब हैं, टीका भी लगाते हैं, माथा भी टेकते हैं, घंटा ही बजाते हैं, आप कहीं जाते हैं उनका जो है कोई उससे आप कोई कहीं जाते हैं तो क्या ये जरूरी है? वो तो जो लोग जा रहे हैं वो सिर्फ दूसरा मामला है, मैं तो अभी बाद में उसके बात करूंगा। बुनियाद देखिए, समझ लीजिए कि हम जिस मकसद से गए, जिस आस्था से गए हैं, वो टोपी आस्था पूरी करती है। मैं तो टोपी नहीं लगाई तो आस्था नहीं। आप सीएम किस बात के हैं, पूरे पूरे प्रदेश के? यानी बहुत जरूरी है सीएम होकर टोपी लगाना भी जरूरी है, पूरे प्रदेश के, प्रदेश के सीएम बनने के लिए टोपी जरूरी है। तो हर हर कहते हैं हर 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 प्रदेश का हर नागरिक के सीएम है, तो किसी की भावना का भी तो ख्याल रखना चाहिए। खैर, किसकी भावना की बात कर रहे हैं आप? अब तो खैर, अमरनाथ मिश्रा जी आप मुझे बताइए, वहाँ के जो जिस तरीके से उनको आपका जवाब आ गया मेरे पास, कट्टरपंथा बहुत हावी है आप लोगों पर, सवाल ये बहुत हावी है। मैं तो नहीं कहती कि कोई मुसलमान अगर मंदिर में जाए तो वो टीका लगवाएगा, या कोई हिंदू के घर जाता है तो वो टीका लगवाएगा। भाई उसकी अपनी आस्था है, कोई जरूरी नहीं है कि आप मेरे घर आए, मैं कलावा बांधूंगी, आपको टीका लगाऊंगी। भाई आपकी अपनी आस्था है। मैं तो यही अफसोस कर रहा हूँ कि वो जो सज्जादा हैं वो तो बिल्कुल मासूम अल्लाह मियां गाय समझ लो उनको। उनको जब ये मालूम है कि इससे पहले जब उनके योगी जी के स्टेटमेंट आ गया, मैं हिंदू हूँ, तो मैं कट्टर हिंदू हूँ और मैं ईद नहीं मनाता, अब इस सिलसिले में कटाच मैं क्या कहूं? वो नहीं कहते मुसलमान हूँ। नहीं नहीं, फिर क्या दिक्कत है? नहीं तो अगर वो हिंदू है और कह दिया कि मैं हिंदू हूं, नहीं मनाता, तो मैं सज्जादा को कहूंगा कि उन्होंने ये इतनी बड़ी ब्लंडर क्यों किया, जब उनको ये बात मालूम थी कि आपका सीएम जो है वो ईद नहीं मनाता, तो आपको टोपी भी नहीं पेश करना चाहिए। इस तरह का वो काम करके मजाक खुद उड़वाते हैं, पूरी कौम को जलील खार करवाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि कौन सा मजाक है इसमें, कौन सा मजाक है? अगर कोई हाथ जोड़कर मना कर रहा है कि सज्जादा है, मैं कहूंगा ये किस लिए इन्होंने टोपी पेश की भाई? क्या वाकई अगर किसी मजार पर जाकर आप टोपी नहीं पहन रहे हैं, ये वो हिंदुस्तान है, वो लोकतांत्रिक देश है जहां पर हम अपनी आस्था के हिसाब से, अपने हिसाब से अपने धर्म को चुनते हैं, अपनी आस्था के हिसाब से भगवान को चुनते हैं, और यहां उनको लोगों को भी जगह है जो वाकई किसी भगवान को नहीं मानते, उनके लिए भी इस हिंदुस्तान में जगह है, तो क्या जरूरी हो गया है कि सियासत के लिए टोपी लगानी पड़ेगी? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री होने के साथ नाथ संप्रदाय के संत हैं, और वो संत होने के नाते उन्होंने नाथ संप्रदाय का सम्मान रखा, और टोपी ना पहन करके उन्होंने हिंदुओं का भी मान सम्मान रखा है। हम आपको बताएं, जब अपने अंसारी साहब उपराष्ट्रपति थे भारत के, और सुशील कुमार शिंदे भारत के गृह मंत्री थे, तो रामलीला मैदान दिल्ली में रामलीला के लिए जब दशहरे वाले दिन ही लोग आए,
तो सुशील कुमार शिंदे ने तिलक लगाने से मना कर दिया और अंसारी साहब ने पूजा की थाली लेने से मना कर दिया। उस समय जब ये प्रश्न उठा तो लोगों ने कहा लोकतांत्रिक देश है, सबको अपना अधिकार है, बिल्कुल है। एक चीज, दूसरी चीज सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग मुसलमानों को खुश करने के लिए रोजा इफ्तार के समय सिर्फ टोपी लगाते हैं वोट के लिए, वो क्यों लगा रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। अपने धर्म में रह करके अगर आप दूसरे धर्म का सम्मान करते हैं वो सबसे बड़ी बात है। आज मैं ब्राह्मण हूँ, तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन करके किसी मस्जिद के दरगाह हुजरे में जाता हूँ, दरगाह पे जाता हूँ, तो हम समझते हैं ये हमारे धर्म का भी सम्मान है और उनके धर्म का भी सम्मान है। योगी जी ने बिल्कुल अच्छा किया और सबको भी ऐसा करना चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। रामेश्वर पांडे जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, ऐसी ही तस्वीर 2011 में गुजरात में देखने को मिली थी और वही तस्वीर आज मगर में देखने को मिली है 7 साल बाद, आखिर कैसे देखें? और सवाल ये कि क्या वाकई एक टोपी राजनीति में बहुत अहम हो गई है? क्या ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा टोपी से तय होती है? क्या ये हमें सर्टिफिकेट देती है? लक्ष्मी, ये बात का बतंगड़ बनाना है। बिल्कुल, वो आपकी तस्वीर देखिए, योगी जी गए वहाँ का सेवादार, टोपी बढ़ाया, वो परंपरा है, जो लोग जाते हैं उनको हाँ। बढ़ाते हैं कि टोपी पहन लीजिए, जिनको पसंद है वो पहन लिया, नहीं पसंद है नहीं पहना। मुझे हैरत है कि इस बात पर तो चर्चा हो रही है, टोपी उन्होंने नहीं पहना, उन्होंने बड़ी विनम्रता से मना कर दिया, इस बात की चर्चा नहीं हो रही है कि जीवन में पहली बार हाँ। योगी जी ने मजार पर चादर चढ़ाई, इस बात का जिक्र तो इस बात की चर्चा नहीं हो रही है, पहली बार ये उन्होंने चढ़ाई और खुद मोदी जी गए थे। तो टोपी ये दिखावे कि उस कबीर के यहाँ गए हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता और ये सब जो छद्म सेकुलरिज्म है उससे अलग उस कबीर के यहाँ गए थे जो पंडितों पर भी हमलावर थे, जो मौलवियों पर भी हमलावर थे हाँ। और आडंबर के लिए तो सर जगह ही नहीं थी उनके मन में, कहा कि जी हाँ, हाँ तो कबीर धर्म निरपेक्षता के सबसे बड़े प्रतीक इसलिए माने जाते हैं, उन्होंने पंडित मौलवी सारे तरह के पाखंड के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, और पाखंड के खिलाफ संघर्ष के प्रतीक है कबीर। तो किसी टोपी से किसी प्रतीकों से कबीर को नहीं आंका जा सकता। लेकिन सर यहाँ तो कह रहे हैं कि रूह को तकलीफ दे दी, ऐसे कट्टरपंथी मौलानाओं को कौन समझाएगा कि क्या रूह को तकलीफ हो सकती है? अगर टोपी नहीं लगाई तो कबीर की रूह को तकलीफ हो गई? शर्म आती है मुझे ऐसे कट्टरपंथियों पर। इससे कबीर की रूह को सुकून मिला होगा, बिल्कुल, एक आदमी पाक अगर जिस चीज को वो नहीं मानता, नहीं यकीन करता, तो उसे क्यों दिखावे के लिए करे? ये मौसमी टोपी लगाने से कोई धर्म निरपेक्ष नहीं हो जाता। कालम बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्या वाकई रूह को तकलीफ हो जाती है? योगी जी का टोपी लगाना ना लगाना उनका ये निजी अधिकार है, लेकिन एक पार्टी जिसका ये नारा है सबका साथ सबका विकास, तो टोपी से एक प्रदेश के मुखिया होने के नाते अगर पेश कर दिया था वो लगा लेते, तो मैं समझता हूँ कोई खराबी ना आती। नहीं लगाया तो नहीं लगाया, क्या उन्होंने कभी खराबी ना आई, लेकिन मतीन खान तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी खराबी हुई। ठेस पहुंची, किसको पहुंची? बिल्कुल एक समुदाय को जिससे टोपी पेश किया था एक सम्मान देने के लिए, इज्जत देने के लिए। मैं समझता हूँ उसका तो कोई बयान नहीं आया, वो तो ये और कह रहे हैं कि इसको तूल नहीं पकड़ाना चाहिए। बिल्कुल, हम आपका सम्मान कर रहे हैं, माला पहना रहे हैं, पहन लीजिए, सुन लीजिए, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप माला धारण करिए, मैं सम्मान में माला पहना रहा हूँ। सुन लीजिए मेरी, अरे सुनना नहीं है, मैं आपको माला पहना रहा हूँ, बात मुकम्मल करने दीजिए। नहीं, माला पहनिए, मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, मुकम्मल करने दीजिए। अरे आप माला पहनिए, मैं सम्मान कर रहा हूँ, मेरी बात मुकम्मल होने दे, पूरी सम्मान कर रहे हैं अमरनाथ जी, पूरी बात प्लीज सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए, अमरनाथ जी कुछ कह रहे हैं आपसे, मैं पूरी माला पहना रहा हूँ, मैं सम्मान कर रहा हूँ, लीजिए पूरी बात सुनिए, और भी माला देख लीजिए जो पसंद हो ले लीजिए। मुझे बात का पूरी करने का मौका दे प्लीज सर, अमरनाथ जी मेरी बात सुन लीजिए आप, ये देखिए इंडोनेशिया में जा करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें इससे पहले कोई इतने माले हैं, आपको रंग जो पसंद हो जो माला, मैं आपका सम्मान करना चाह रहा हूँ, जा करके मजार पर चल, मैं आपका माला पहना के सम्मान करना चाह रहा हूँ। देखिए सम्मान की बात कर रहे हैं, बात सम्मान की बात कर रहे हैं, तो क्या ये सम्मान आपको एक्सेप्ट है? अगर मैं किसी मंदिर के अंदर जाता हूँ, अगर कोई मुझे पहनाना चाहता है
तो उसके भी दिल का हमें ख्याल करना चाहिए। ये भी सरस्वती का मंदिर है भारत समाचार, बात हमारी सुनिए, ये भी सरस्वती का मंदिर है, लक्ष्मी जी भी सरस्वती के रूप में यहाँ विराजमान है। आप उस समाधि पर, उस मजार पर, उस चौखट पर गए थे जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का प्रतीक रहा है, मिलाने की बात की है। आपके टोपी पहन लेने से कहीं ना कहीं मिलाने की, इत्तेहाद और प्यार की बात हो रही है। हम तो आपको माला पहना के मिला रहे हैं अपने से। आप यहाँ समाधि पर नहीं, आप डिबेट में बैठे हैं, यहाँ माला ना पहना है आप। अब प्लीज पूरी बात सुनिए, तो वहाँ पे भी तो कैमरे लगे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार टोपी पहनने से इनकार किया था, लेकिन वही प्रधानमंत्री जी इंडोनेशिया में जाते हैं, मजार पर चादर भी चढ़ाते हैं, इस्तिहा का हरी चादर भी सर पे लपेटते हैं। मुझे कोई इतराज नहीं, खुशी है, खुशी होती है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक विकास से बड़ी टोपी हो गई है, और आप कहते हैं कि मजहब का प्रतीक, एक मिनट रुकिए, आप कहते हैं कि मजहब का प्रतीक है टोपी, अगर कोई मजहब का प्रतीक मैम नहीं है, वो समाधि जहाँ मगहर गए थे माननीय सीएम साहब और माननीय पीएम साहब, वो समाधि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मोहब्बत की, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की है ना, हिंदू मुस्लिम माना ना आपने, मुस्लिम के लिए उन्होंने चादर चढ़ाई, हिंदू के नाते अगर टोपी नहीं पहनी तो क्या इतराज है आपको? नहीं, अगर पहन ही लेते नहीं, तो अगर नहीं पहने तो क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर क्या आप क्यों कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो कहता हूँ उनका निजी अधिकार है, टोपी पहनने से ना कोई हिंदू बन जाएगा ना कोई मुसलमान बन जाएगा, टोपी पहनने से ना कोई हिंदू बनेगा। अंसारी साहब ने राम की आत्मा को ठेस पहुँचाई, रामलीला में आरती की थाली का उन्होंने अपमान किया और थाली लेने से मना कर दिया, सुशील कुमार सिंधे ने रामलीला मैदान में तिलक लगाने से मना कर दिया, ये राम का अपमान किया इन लोगों ने। कौन सा सेक्युलरिज्म है ये भाई? ये कोई कौन सा सेक्युलरिज्म है? कौन सी परिभाषा कर रहे हैं आप? टोपी अगर नहीं पहनी तो खतरे में आ जाता है इस्लाम? बिल्कुल नहीं खतरे में, इस्लाम आया ऐसा ऐसा किसी ने कुछ कहा भी नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं पहनी तो खूब चिक चिक चिल्लाया, प्रधानमंत्री नहीं चिल्लाया, देश का मुखिया होने के नाते जहाँ आपने पगड़ी पहनी, इससे समुदाय की पगड़ी पहनी, आपने हिमाचल प्रदेश भाइयों की टोपी लगाई, अगर आप टोपी लगा ही लेते तो मैं समझता हूँ कौन सा तूफान आ जाता। नहीं लगाते, इस बात का नहीं लगाई तो कौन सा तूफान आया? योगी जी तूफान तो आप लोगों ने पैदा किया ना, लक्ष्मी जी आपने पैदा किया ना। गुरु पूर्णिमा के दिन नाथ संप्रदाय को मानने वाले योगी जी के शिष्य गुरु पूर्णिमा के दिन जाएंगे और अपने गुरु को अगर वो साफा पगड़ी पहनाएंगे तो उसको योगी जी स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनके उस शिष्य और गुरु परंपरा से आ रहे हैं, वो संत भी हैं, वो बाल तक नहीं रखते सर पे। जब उन्होंने त्याग दिया, अपना परिवार त्याग दिया, अपना घर त्याग दिया, अपने बालों को त्याग दिया उन्होंने समाज के लिए, कोई भी मत टोपी क्यों पहने, क्यों पहने टोपी? ये नफरत हो गई। कोई भी मठ अजीज, आप एक मठ से आपका संबंध है, बड़ा मठ है आपका। रामेश्वर पांडे जी मेरे साथ जुड़े हैं इस वक्त। रामेश्वर जी, क्या आपको लगता है जैसे कि इश्तियाक जी कह रहे हैं कि आपने नफरत पैदा कर दी, कोई कह रहा है कि साहब रूह को तकलीफ हो गई, मुझे समझ में नहीं आता कौन सी तकलीफ है सर इस टोपी को लेकर, टोपी का पॉलिटिक्स में आखिर रिश्ता क्या है, ये समझने की कोशिश करूंगी। जरा रामेश्वर पांडे जी, ये टोपी का रिश्ता राजनीति से क्या है? देखिए, टोपी का रिश्ता राजनीति से नहीं है, ये मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये बात का बतंगड़ कर दिया गया। टोपी नहीं पहनना पहनना ये निजी आस्था का सवाल है, निजी पसंद का सवाल है, इससे न तो कोई धर्म निरपेक्ष हो जाता है न कोई सांप्रदायिक हो जाता है। बिल्कुल, हमारी पसंद है। हिंदुस्तान में इतना मेच्योर हो गए हैं लोग, मैं देखता हूँ आप सारे लोग देखते होंगे कि होली के दिन सामान्यतः बच्चे रंग फेंकते हैं मौलानाओं पर, वो हाथ जोड़ लेते हैं या जो ही हाथ इशारा करते, कोई रंग नहीं फेंकता। बिल्कुल, लेकिन अगर किसी ने रंग फेंक दिया तो भी वो नजरअंदाज करते हैं, चले जाते हैं, और हर आदमी इस बात को ये इस बात का ध्यान रखता है। मतलब इस हिंदुस्तान में सभी धर्मों के प्रतीकों के बारे में सबको पता है, सब लोग सम्मान करते हैं, लेकिन रामेश्वर जी अब कोई विवाद नहीं हो। रामेश्वर जी, मेरा एक अहम सवाल है, जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हो, क्या उसकी प्रतिबद्धता तिलक और टोपी से तय होगी? जी नहीं, जो भी व्यक्ति न केवल संवैधानिक पद पर बैठा हो, जो लोग भी राजनीति में ऊंचे दर्जे में हैं, जो समाज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक समाज को एक बड़े उनकी निजी आस्था भी होती है। बिल्कुल,
हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति संविधान की सीमा तोड़ता है तो उस पर सवाल उठना चाहिए। बिल्कुल। और संविधान ये नहीं तय करता कि आप आपकी आस्था क्या होगी। लेकिन सर कट्टरपंथियों को तो कट्टरपंथियों को तो आजादी है ये कहने की विरोध के नाम पर कुछ चाहिए, टोपी मिल गई, टोपी का विरोध करिए। नहीं, टोपी का विरोध नहीं है, यही पार्टी है जो अवतार पार्टी बायकॉट कराती है और फिर अपने एक रास्ते पर खुश होना चाहिए। इश्तियाक जी खुश होना चाहिए। एक आदमी जो नहीं मानता खुश ये होते हैं। अभी आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण देखा, आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि ठेस पहुंची, रूह को तकलीफ हो गई, फलाना हो गया, ढिमका हो गया। आप मुझे बताइए, अमरनाथ जी माला पहना रहे थे, इश्तियाक जी को नहीं पहनी तो क्या इनकी रूह को ठेस पहुंच गई? क्या इनके मन को कोई ऐसी चोट आ गई? सेवक ने जो बताइए ना मुझे पेश की उसको वो उन्होंने अपनी आराम से जैसे माला उतारी वैसे पहनी उन्होंने कहा। मैं ऐसा अहमक इंसान कहूंगा कि उसको ये काम ही नहीं करना चाहिए। उसको मालूम है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, ये मालूम था उसको। ये क्यों मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं? कौन सी मजाक उड़ रहे हैं? इनका मजाक उड़ गया क्या? इनका मजाक उड़ गया? आप मुझे बताइए ना। नहीं, मतीन साहब सेवक जी की बात कर रहे हैं, पेश करनी चाहिए, उनको टोपी नहीं पेश करना चाहिए। उनको मालूम है कि हम कौन आ रहा है, हम किसको टोपी पहनाए? ईदगाह के अंदर टोपी नहीं पेश की जाती, हर साल यहाँ मुखिया लोग आते हैं, गवर्नर भी आते हैं और डिप्टी सीएम भी आते हैं, सीएम भी सारे लोग आते हैं। ऐसा नहीं है, मगर वहाँ पर अखिलेश यादव जाते हैं ईदगाह तो उनको टोपी पहनाई जाती है, वो टोपी पहनते हैं। अभी आप देख लीजिए इसी ईद में अखिलेश यादव को हमेशा टोपी पहनाई है आप लोगों ने। अंदर वो उनकी रामेश्वर पांडे जी एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया अमरनाथ जी, पहनाई नहीं गई। एक मिनट, रामेश्वर पांडे जी गलत किया, उन्होंने टोपी नहीं पेश करना चाहिए। टोपी ट्रांसफर होती है ये सियासत में, क्या वही वजह है कि अब भी टोपी का चलन चल रहा है? जैसा कि अमरनाथ जी कह रहे हैं कि सियासत में होता आया है, अब नहीं होगा तो मखौल तोड़ेगा, बवाल तो होगा, हंगामा तो होगा कि आखिर पहले हो रहा था तो आप भी करिए। देखिए, क्योंकि संदर्भ कबीर हैं तो कबीर ने बहुत पहले ये आडंबर पूर्ण प्रतीकों पर बहुत ही हमला किया है, खारिज किया है। आप टोपी पहन ले तो आप धर्मनिरपेक्ष नहीं हो जाते। बिल्कुल। हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो दिखावटी टोपी गोल टोपी नहीं पहनते, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई लड़े हैं। हिंदुस्तान के शहीदों की परंपरा रही है और हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर किसान आंदोलन से लेके अब तक, लेकिन टोपी उनके बीच एकता का प्रतीक नहीं रहा है। बिल्कुल। टोपी तो एक आडंबर का प्रतीक रहा है। आप रमजान के महीने में एक दिन, क्या रमजान में रोजा इफ्तार में टोपी न पहने तो वो गुनाह हो जाता है क्या? नहीं, कतई नहीं होता है। चाहे आप टोपी पर टोपी के बगैर नमाज भी हो जाती है, टोपी के बगैर रोजा भी हो जाता है। टोपी इस्लाम का मजहब का कोई ताल्लुक नहीं है। इश्तियाक जी, क्या वाकई टोपी ना पहने तो कबूल नहीं होती अल्लाह को आपकी दुआ? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि योगी जी का टोपी पहनना उनका निजी अधिकार है, लेकिन एक देश प्रदेश का मुखिया होने के नाते सबका साथ सबका विकास, अगर मैं पहन लेते ही तो क्या खराबी आती है? टोपी पहनेगा मुखिया होने के साथ, वो नाथ संप्रदाय के एक संत है। बिल्कुल। और जब उन्होंने अपने बालों को त्याग दिया तो टोपी क्यों स्वीकार करते? ख्याल करें, जब उन्होंने अपने बाल जो किसी ने सम्मान देने के लिए पेश कर दिया था, पेश कर दिया, सम्मान देने उन्होंने के लिए स्वीकार किया, तो उन्होंने धन्यवाद किया, मगर जब उन्होंने अपने केस त्याग दिए। एक मिनट, इश्तियाक आलम में अहम सवाल किया आपने कि वो प्रदेश के मुखिया है इसलिए टोपी पहननी चाहिए थी क्योंकि हजारों करोड़ों भावनाएं। ठीक है, मैंने मान लिया आपका। अगर आप प्रदेश के मुखिया हो तो क्या आप जाके तिलक लगवाएंगे? क्या आप वहां पर कलावा बंधवाएंगे? क्या राम राम बोलेंगे? आप जो है इस्लाम की आड़ लेकर बंदे मातरम तक नहीं बोल सकते और दूसरों के लिए आप ये कहते हैं कि मुखिया है तो वहां जाकर टोपी पहने? मैम, क्या है ये सब? सुन लीजिए, आपने विषय दूसरा छेड़ दिया, बंदे मातरम में दूसरी चीज। सुनिए, क्यों ना छेड़ दिया जाए? कौन सी राजनीति करते हैं आप लोग? योगी जी का मजहब धर्म ये कहता है कि दूसरों के क्या सम्मान न किया जाए। भगवा कलर देख लिया, टोपी पहनने से मुस्लिम हो जाते हैं? टोपी पहनने से क्या उनका मजहब चेंज या तब्दील हो जाता है? उनका धर्म अभिषेक हो रहा होता तो अभिषेक करते। अमरनाथ जी, मतीन खान, एक बात मुझे बताइए आप, टोपी न पहनने से रूह कट्टरपंथी मुल्लानाओं की हट हुई है या फिर संत कबीर की हुई है?
मुझे लगता है मौलाना की रूह को ज्यादा तकलीफ हुई है। ये लगता है कि संत कबीर जो एकता का प्रतीक थे वो पर्टिकुलर किसी एक जात और एक मजहब और एक उसका जो है आलमबरदार नहीं थे, वो चाहते थे कि सारे लोग समझ रहे हैं आप धीरे धीरे संत कबीर जी को, अब समझ में आ रहा है मुझे जी, बहुत देर में समझे, 20 मिनट निकल गए इस बात को समझने में। ये बात तो कोई इतना अहम इशू नहीं था जितना कि इतना बड़ा पवंडर सा बन गया है, ऐसा कोई इतना अहम मसला नहीं था। ये बना तो आप ही रहे हैं। नहीं हमने नहीं, क्या नहीं, खान को जब ये समझ आया ना, अभी मैंने कहा कि अगर आप होते आप अपने आप को मुखिया रख के देखिए तो क्या किसी मंदिर में जाके राम राम बोलेंगे, क्या तिलक लगवाएंगे, क्या कलावा बंधवाएंगे? भाई बताइए ना मुझे, मैं जब मुखिया बनूंगा तब डिसाइड करूंगा। जब नहीं, आप करेंगे क्या? अरे एक पल को मान लीजिए, अरे एक पल को मान लीजिए, अरे अभी पहले असेंबली के मेंबर तो बन जाने दीजिए। अरे बंदे मातरम तक नहीं कहेंगे सर, आप कैसी बात कर रहे हैं। रामेश्वर पांडे जी आप मुझे बताइए, भगवा वस्त्र पहन लिए सांप्रदायिकता हो गई, टोपी नहीं पहनी असहिष्णुता हो गई, आखिर ये क्यों, कौन सी राजनीति है सर, मुझे समझ में नहीं आती। कौन से सिंबल तय कर रहे हैं राजनीति का नजरिया? राजनीति है, देखिए लक्ष्मी ये प्रतीकों की राजनीति है। गोल टोपी पहन के और अराफात वाली साल ओढ़ के इन्हें लगता है कि ये आम मुस्लिमों के बीच में हो जाएंगे, लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता इतनी परिपक्व हो गई है कि इन प्रतीकों से बहुत ज्यादा उन पर फर्क नहीं पड़ता है। हमारा संविधान ये कहता है कि आपकी जो निजी आस्था हो उसके अनुरूप व्यवहार कीजिए, हमारी धार्मिक परंपरा यही कहती है, संजीदा लोग यही कहते हैं। उपराष्ट्रपति अभी अमरनाथ जी जिक्र कर रहे थे, उपराष्ट्रपति ने कभी भी बतौर उपराष्ट्रपति बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर गए, धार्मिक कार्यक्रमों में गए, रामलीला गए, कोई पतंगड़ नहीं हुआ। उन्होंने निजी तौर पर अपनी बात कह दी कि भाई मुझे तिलक नहीं लगवाना है, बिल्कुल, तो किसी ने नहीं हल्ला किया, न कोई सवाल उठा। लेकिन सर संविधान बड़ी टोपी हो गई है, थोड़ा सा देख ले रही हूं, और ये टोपी की सियासत आखिर क्यों हो रही है और एक दूसरे को टोपी ट्रांसफर क्यों पहनाई जा रही है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या वाकई संवैधानिक पद पर बैठे एक शख्स की पहचान क्या टोपी और तिलक से होगी? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप अखाड़ा देख रहे हैं, टोपी के खेल पर आज चर्चा चल रही है कि आखिर सियासत में टोपी इतनी अहम क्यों हो गई है। जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने टोपी पहनने से इनकार किया, टोपी की अहमियत क्या होती है सियासी गलियारों में इस बात का जिक्र होने लगा, ये कहने कहा जाने लगा कि आखिर संत कबीर की रूह को भी तकलीफ पहुंचाई है टोपी न पहुंचकर। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मेरा पहला सवाल मतीन खान आपसे ही है, आप मुझे बताइए कि आखिर क्या ये जरूरी हो गया है कि अगर मुखिए का कोई सीएम है तो वो टोपी नहीं पहनेगा तो उसे सियासत में मंजूरी नहीं दी जाएगी? देखिए सबसे बड़ा ब्लंडर तो मैंने बताया कि वो जो वहाँ के सेवक है उन्होंने किया, और दूसरी बात मैं तो कहती हूँ कि ब्लंडर उन मौलाना ने किया, उन विपक्षियों ने किया जिसने ये कहा कि टोपी नहीं पहनी, एक बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। डॉक्टर चंद्रमोहन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, बहुत स्वागत चंद्रमोहन जी, आऊंगी सर आपके पास। चंद्रमोहन जी आप मुझे बताइए, एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर मुसलमानों के वोटों से तो आपको प्यार है तो टोपी से इतनी नफरत क्यों? चंद्रमोहन जी सबको पूरा प्यार है, सबको मुसलमानों से प्यार है, हम वोट नहीं करते, जो तो वोट नहीं करते हैं वो हमारे सामने है। जैसे अभी अभी तक करने के बाद राजस्थान में जी आपने मैं सुना था उनको काफी विस्तार से सारी बात बता, आज वो जो लोग अपनी केंद्र है उनको कहना चाहिए था कि सभी सरकार है वो अच्छा कदम उठाया, मंत्री जी गए। चंद्रमोहन जी आपकी आवाज स्पष्ट रूप से मुझ तक नहीं आ पा रही है, आपके पास लौटूंगी मैं, इस बीच मतीन खान अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ देखिए वो एक इत्तेहाद का पैगंबर थे, और वहां पर जा करके अगर वो किसी आदमी ने कोई बेवकूफी ही की तो कम से कम वो टोपी का कलर ही देख लेते भाई कैसा है, बुनियादी चीज वहाँ टोपी ना समझ के कि अपने हम जिस पीर के पास आ रहे हैं, जिस पीर के पास आ रहे हैं वही देख लेना चाहिए था कम से कम। अरे तो हम आपको हरी माला पहनाए पहनेंगे?
नहीं नहीं आप उनको हरी प्रतीक की माला पहना दें, आप पहन लीजिए, आपके पास हरी है नहीं अभी, है हम ले आएंगे, तब ले आइएगा तब बात करिएगा। तो ये एक बाउंडर सा है। रामेश्वर पांडे जी, मैं लौटूंगी चंद्रमोहन जी के पास, उनका संपर्क अभी मुझसे नहीं हो पा रहा है तकनीक खराबी के चलते। आप मुझे बताइए रामेश्वर जी की जो सवाल वाकई उठ रहा है, क्या ये वाकई सही किया या गलत किया? मेरा मानना ये है कि अगर आस्था के नाम पर हम किसी से जबरदस्ती नहीं कर सकते। जी अपनी आस्था के अनुरूप कार्य करेंगे ना, अगर उन्हें टोपी यो पाखंड में आडंबर में टोपी पहन ले, एक निश्चित वर्ग को लुभाने के लिए टोपी पहन ले, यह तो जायज नहीं होता। योगी जी ने जो किया उससे कबीर की रूह को सुकून मिला होगा, क्योंकि कबीर ता जिंदगी लेकिन कुछ मौलानाओं को और कुछ कट्टरपंथियों को जरूर तकलीफ हुई है। वो कह रहे हैं कि सीएम ने अगर टोपी नहीं लगाई तो उनको सेक्युलरिज्म का कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, क्योंकि टोपी लगाने से मिलता है। और एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि टोपी से इनकार कर दिया, उसका कलर देख लिया होता, भगवा कलर था उसका तो। ये लोग विकास की बात नहीं कर सकते, वही मेरा सवाल है सर, विकास पर टोपी डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपकी पार्टी। अरे चुप रहिए, सुना करिए, बिना मतलब के बोलते हैं जी, बात का कोई मतलब नहीं है। आज कबीरदास जी के स्थान पर अकादमी बन रही है, उस अकादमी में क्या क्या काम होगा, ये काम और होता तो बहुत अच्छा रहता, इस विषय पर आप लोग बोलते तो कितना अच्छा रहता। आप इस विषय पर बोल रहे हैं, लक्ष्मी जी ने आपसे सवाल किया, लक्ष्मी जी ने यहाँ सवाल किया आपसे कि आप बताओ आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, तो जवाब ही नहीं है सर। मैं उस समय दूंगा, और जब अमरनाथ मिश्रा जी ने आपको माला के लिए कहा कि मैं माला पहनाता हूँ, तो माला पहले से इनकार मत करो भैया, विकास की बात करो, कबीरदास जी की खाली टोपी पे बात करिए, कानून व्यवस्था की जब बहस हो आप विकास की बात क्या करेंगे? आपकी सरकार पूरी तरह से विकास के नाम पर लाभ कर रही है। सरकार ने संकल्प लिया है, हम गए वहाँ पर, अरे भाई जाके वहाँ घर में जाओ, आप ये यहाँ बैठ के ये मत बोलो, जो बोल रहे हो बिलाप करो, ये बिलाप मत करो। इस्तेयाक आलम बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे, कुछ सवाल है इनके। इस्तेयाक जी नहीं, मगहर में जाना बड़ी अच्छी बात है, और अभी आपने माननीय बीजेपी के भाई ने हमारे डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा ये कहा कि विकास की बातें हो रही हैं, मगहर में ये सूत की मिल बंद चल रही है, अगर उस पर हमारे पीएम साहब ने कोई बात किया होता तो मैं कहता विकास की बात हो रही है, वहाँ पर वहाँ के बुनकरों के मसाइल को लेकर कोई बात की गई हो मैं कहता विकास की बात हो रही है, विकास की कोई बात नहीं हो रही है। जुमले दे रहे हैं आप, और जुमलों में 4 साल गुजारा आपने, और यूपी के अंदर भी सिर्फ जुमलों की बुनियाद पर आप हुकूमत कर रहे हैं। इतना बताइए कि टोपी न पहनने से क्या रूह को कोई तकलीफ हुई? कोई तकलीफ ना हुई रूह को, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अगर पहन ही लेते तो उनको क्या तकलीफ हो जाती? क्या टोपी पहन लेने से धर्म का मैंने टोपी पहन लेने से क्या किसी का धर्म साबित होता है, सिद्ध होता है कि टोपी हिंदू पहनेगा मुस्लिम पहनेगा? पहनने से हिंदू हो गए मुस्लिम हो गए, टोपी का धर्म से क्या संबंध है, क्या ताल्लुक है? चंद्रमोहन जी एक अहम सवाल उठ रहा है कि आखिर टोपी पहन लेने से क्या धर्म कोई खतरे में आ जाता, लेकिन टोपी न पहनने से इस्लाम खतरे में आ रहा है सर? बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर साहब बताएं, आप टोपी पहन लेते तो क्या उनके हिंदुत्व पर कोई फर्क पड़ता? आप जिस विषय पर आज आप चर्चा कर रहे हैं, चर्चा बिल्कुल सही है, ठीक है। जो लोग मैं कह रहा हूँ ना, ये वो लोग हैं जो ये नहीं स्वीकार करते कि एक हाथ में कुरान हो एक हाथ में कंप्यूटर हो, ये चाहते हैं इस देश का। अगर कुरान और कंप्यूटर की स्कीम बंद कर रखी है डॉक्टर चंद्रमोहन सिंह जी आपने, कुरान और कंप्यूटर की स्कीम तो बंद कर रखी है। साइंस टीचर को आप कहाँ तनख्वाह दे रहे हैं? दसियों बार कह चुका हूँ, आपकी सरकार और आप लोग तो बंद करे हुए हैं, आपने 3.5 साल तो बंद कर रखी है तनख्वाह। कबीरदास जी की समाधि स्थल पर समाधि भी है, वो भी है, वहाँ ये विवाद नहीं है, ये आपका जो अंदर का विवाद है। अरे सर, टोपी ने तो कबीर जी को भी बांट दिया हिंदू मुस्लिम में। रामेश्वर पांडे जी, रामेश्वर पांडे जी आप मुझे बताइए, लेकिन जिस तरीके से
हाँ बोलिए बोलिए, टोपी से बताएं हमको क्या हाँ। टोपी से किसी का धर्म सिद्ध होता है? टोपी पहन लेने क्या टोपी ना पहनने से इस्लाम खतरे में आ जाता है? रामेश्वर जी आप भी ऐसे देखते हैं कैसे? जी नहीं, टोपी ना पहनने से अगर दिक्कत ये है कि इस्लाम के तमाम लोग, पूरी दुनिया में इतने इस्लामी देश हैं, क्या सभी इस्लामी मुल्कों के नेता टोपी पहनते हैं? बड़ा सवाल है, बिल्कुल नहीं देखेंगे तो आपको हैरत होगी। दिक्कत ये है कि यहाँ दुनिया के तमाम मुस्लिम अगर की बात सर नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं भाई। टोपी भी विश्वनाथ प्रताप सिंह पहनते थे, मुसलसल टोपी पहनते थे, टोपी पहनते थे। सवाल कहाँ ये है, टोपी कोई वो सवाल ये टोपी गोल टोपी समाजवादी टोपी कोई दे रहे थे? अमरनाथ जी हमसे बात रखिए सर, समय समाप्त हो रहा है मेरे पास। देखिए ऐसा है कि धर्म निरपेक्षता का ठेका की बात करें खाली सर, धर्म निरपेक्षता का ठेका हिंदुओं और हिंदू राजनेताओं ने नहीं ले रखा है कि हम ही आपको खुश करने के लिए हम आपकी टोपी पहनते रहे। अरे कभी आप भी हमारा माला पहन लीजिए। अरे आप देखिए, आप क्यों नहीं पहन रहे? शरीफ में सबको मालूम होगा कि होली के त्योहार पर देवा के मजार पर हिंदू मुस्लिम मिल करके वहाँ सब के सब, बाबा ने हमेशा होली खेला था और सब मिल करके होली खेलते हैं। इससे बड़ा साफ प्रतीक क्या चाहिए आपको? देवाश्रम में अभी होली खेली गई है, वहाँ पर बाबा बारिश पाक ने हमेशा होली खेली है, अभी होली खेली गई है। लेकिन सवाल ये, मेरा सवाल ये कि अगर किसी की आस्था है, कोई टोपी पहनने से इनकार कर रहा है, तो आखिर तकलीफ क्या है? हल्ला हुल्ला क्यों हो रहा है? हंगामा क्यों हो रहा है? किसी को हंगामा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हंगामा नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपसे, इस पर कोई हंगामा नहीं, ये उनका निजी अधिकार है, नहीं पहना उन्होंने, उनका निजी अधिकार है। लेकिन वो निजी अपने लिए नहीं, पूरे प्रदेश के लिए है। हाँ। अगर पहन ही लेते तो क्या उनके धर्म पर फर्क पड़ जाता? पहन ही लेते वाला जो सवाल है ना, ये सबसे बड़ी डिबेट खड़ी कर रहा है, क्या वो फर्क पड़ जाता? चलिए किसी का दिल आपके, क्या आपके क्या योगी जी के हिंदू धर्म के अंदर दिल रखने की बात नहीं है? अगर दिल रखने के लिए उस मुजावर का खादिम का अगर पहन ही लेते तो क्या तकलीफ होती है? क्या उनका मजहब टोपी पहनने से उनको मना करता? मेरे पास जल्दी से जवाब दीजिए सर। नहीं तो क्या आपका मजहब मना करता है माला पहनने से? बिल्कुल नहीं, उनको ना पहननी थी ना पहनी है। हाँ। ना पहननी थी ना पहनी है। हमारी प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता कबीरदास जी के मत को आगे बढ़ाने का है। हमने वहाँ एकेडमी स्थापित की है और हम कबीरदास जी के जो विचार है उनको नमन करते हैं और उनके विचारों को आगे ले जाने की जिम्मेदारी का वहन कर रहे हैं। अरे इनको तो उनका विचार तो ये था कि दोनों को मिलाया जाए, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद प्यार मोहब्बत की बात की जाए। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, समय इतना ही था। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि धर्म एक जब निजी मामला है तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि राजनीति में धर्म को एक दूसरे पर थोपा जा रहा है? धर्म के प्रतीकों को थोपने की हड़बड़ाहट क्यों हो रही है? और क्या ये टोपी, ये वाकई ये प्रतीक हो गई है कि टोपी नहीं पहनेंगे तो सेक्युलरिज्म का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा? आखिर टोपी का और सियासत में इतना तालमेल क्यों हो गया है? ये बड़ा सवाल है। और टोपी ट्रांसफर लगातार क्यों हो रही है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अखाड़ा में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।